पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महामहिम जगदीप धनखर हमारे साथ हैं। यू लुक सो डिफरेंट सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। मैं पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि उनके जीवन में दीपक हमेशा जलता रहे, अंधकार से वो दूर रहें और प्रगति के पथ पर रहें और राष्ट्र हित के लिए पूरा अपना योगदान करें। जी सर, आपने अभी यहाँ बताया, जो उद्बोधन किया और आपकी ये चर्चा भी रही है मीडिया में कि मुख्यमंत्री के साथ आप मिलने वाले हैं। मैंने कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को एक अनुरोध किया था कि 29 अक्टूबर को मैं और मेरी धर्मपत्नी उस दिवस को ध्यान में रखते हुए, भाई बहन के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए उनके निवास पर आना चाहते हैं। जब मैंने उनको पत्र भेजा उस समय वो नॉर्थ बंगाल के दौरे पर थी। आते ही उन्होंने मेरे पत्र का एक व्यक्ति का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं और मेरी धर्मपत्नी 27 अक्टूबर को सायं उनकी पूजा में सम्मिलित हों। हमने उनका ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कल मैं और मेरी धर्मपत्नी उनकी पूजा में सम्मिलित होंगे सायंकाल में, और वो पूजा वो अपने निवास पर 1978 से कर रही हैं, तो पूजा करीब 50 साल से ज़्यादा समय से चल रही है। ये हमारे लिए बहुत ही अभिभूत है और हम इसको एक बहुत ही अच्छा मौका मानते हैं। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि 29 अक्टूबर के बारे में पिछले 30 साल से वो कॉम्युनल हारमोनी की वजह से व्यस्त रहती हैं। मैंने मेरे पत्र में ये भी संकेत दिया है कि कॉम्युनल हारमोनी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये विषय मेरे दिल के भी बहुत करीब है और इस विषय पर भी मैं कल उनसे चर्चा करूँगा। देश के भविष्य के लिए, देश की प्रगति के लिए हारमोनी और कॉम्युनल हारमोनी आर एब्सोल्युटली एसेंशियल एंड ऑल ऑफ अस शुड वर्क फॉर इट। 29 अक्टूबर को जो कम्युनल हारमोनी जो मुख्यमंत्री जो उन्होंने आपको बताया कि वो मनाती हैं, इसको लेकर आप उसमें क्या कल बात करने वाले हैं? देखिए, वो मुख्यमंत्री जी 30 साल से कर रही हैं और ये सराहनीय कदम है कि कोई भी व्यक्ति कम्युनल हारमोनी के लिए इतने लंबे समय से कटिबद्ध हो। चूँकि मेरे मन की भावना भी वही है जो उनके मन की है, तो 27 अक्टूबर को कल उनसे ये भी चर्चा करूँगा। पर मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने तुरंत मेरे व्यक्तिगत पत्र का जवाब देकर एक निमंत्रण दिया है। वो निमंत्रण मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने सहर स्वीकार ही नहीं किया है। हम कल उनके यहाँ जाएंगे और ये हमारे लिए अभिभूत होने का सुअवसर है। सर, आप इस राज्य के हेड हैं, क्या आपको लगता है जो प्रशासनिक आपको जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों है कि चुनावी गलियारों में ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यपाल और सरकार के बीच में दूरियां हैं? देखिए, गलियारों में क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, पर राज्य सरकार और मेरे बीच में कोई दूरियाँ हैं इसका अंदाज़ा मुझे तो नहीं है। आपको लगता है पश्चिम बंगाल अशांत है? नहीं, देखिए, आज के दिन जब हम एक त्यौहार की बात कर रहे हैं, लोगों के जीवन में रोशनी की बात कर रहे हैं, अंधकार को दूर करने की बात कर रहे हैं, ये बात विषय से परे है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं प्रफुल्लित हूं कि पश्चिम बंगाल के व्यक्ति जिस तरीके से पूजा मनाते हैं, जो अपनी टैलेंट को दिखाते हैं, जितना कमिटमेंट उसमें है, जिसमें इतना भारी कल्चरल इनपुट है, शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते। सर, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल अभी भी देश को दिशा दिखा सकता है? नहीं, पश्चिमी बंगाल देश को दिशा बहुत लंबे समय से दिखाता रहा है। पश्चिम बंगाल में एक से एक बड़े महारथी रहे हैं जिनका पूरा देश सम्मान करता है, विश्व सम्मान करता है। राज्य सरकार से आप संतुष्ट हैं सर? देखिए, ये प्रश्न मेरे से मत पूछिए। मेरा किसी भी बंगाल के व्यक्ति से नाराज होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मेरा काम सकारात्मक रवैये करते हुए अपना योगदान देना है और जीवन में मैं किसी से नाराज कभी नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आखिरी प्रश्न आपसे करूंगा, आप एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन रहे हैं, हरियाणा महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं इनसे, इस पर अगर आप एक मुझे बस बताएंगे आपको कैसे? राज्यपाल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। राज्यपाल को न तो राज्य की राजनीति से सरोकार रखना चाहिए, न देश की राजनीति से सरोकार रखना चाहिए। राज्यपाल एक ही कानून से बंधा है और उस कानून का नाम है भारत का संविधान, और भारत के संविधान के अंदर जो मेरी शपथ है उसमें मुझे किसी भी विषय का राजनीतिकरण करने का
अधिकार नहीं सर, है। आप रोल मॉडल हैं बाकी जो राज्य उनके राज्यपालों के लिए? नहीं, ये मैं बिल्कुल ही नहीं मानता। और राज्यपाल मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा विवेकशील हैं, और मैं उनका इतना आदर करता हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से अपने कार्य को लगनशील तरीके से कर रहा हूँ और यही करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा की ओर से आपको दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कैसे दिवाली मना रही हैं सर? आप कैसे मनाएंगे? मैं दिवाली लोगों के साथ मना रहा हूँ। ये दिवाली मनाना ही है। कल भी यही करूँगा। और मुख्यमंत्री जी की पूजा में सम्मिलित होकर दिवाली का भरपूर आनंद लूंगा। जी धन्यवाद। तो ये राज्यपाल पश्चिम बंगाल के हमारे साथ बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री से उनकी बातें हुई, कल वो क्या करने वाले हैं और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। राज्य को लेकर और देश को लेकर, राज्यपालों को लेकर सारी बातें उन्होंने यहाँ ताज़ा के साथ की हैं। कैमरा पर्सन नामकी के साथ मोहम्मद शफी शमसी, ताज़ा कोलकाता।